फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप टाटा एल्ट्रोस लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। आज आपको टाटा एल्ट्रोस के बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ छोटी मोटी बुरी बातें मैं सब कुछ बताऊँगा, सो दैट आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, कोई गाड़ी खरीदने के लिए प्लान करते हैं तो मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। एंड आज जो आपको मैं बातें बताऊंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों के लिए मैटर करती हैं। तो एल्ट्रोस के कुछ प्लस कुछ माइनस आज आपको मैं डिटेल में शेयर करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट शेयर करूंगा, कोई बकवास नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा एल्ट्रोस की कुछ बेहतरीन खूबियों की, जो कि जो कॉम्पिटिटर कार्स आ रही हैं उसमें अवेलेबल नहीं है, या फिर अवेलेबल भी हैं तो इस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल नहीं है। तो एक एक करके मैं टाटा एल्ट्रोस की सारी खूबियों की बात करूंगा। तो सबसे पहली सबसे बड़ी खूबी इस गाड़ी की जो है वो है इसकी सेफ्टी। इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील आपको मिलता है इस गाड़ी में, जो यूज़ किया गया है, टाटा ने यूज़ किया है, और उसकी वजह से इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो अगर आप एक सेफ कार ढूंढ रहे हैं, आप अगर एक सेफ कार बाई करना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बेहतरीन है, आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे के फीचर्स की। तो देखिए अभी ये गाड़ी जिस प्राइस पॉइंट पे क्रूज कंट्रोल का फीचर ऑफर करती है, आपको करीब 8 से 8.25 लाख रुपए के बीच में इसका एक्सटी वेरियंट मिल जाता है, इसमें क्रूज कंट्रोल आता है। तो जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर कर रही है, मार्केट में और कोई भी गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर नहीं कर रही है। अगला इसका जो प्लस पॉइंट है उसकी बात करूँ तो इसका जो इंटीरियर है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। आप पहले जो टाटा की गाड़ियाँ आती थी उससे अभी टाटा की गाड़ियों का इंटीरियर बहुत अच्छा हो गया है, और डेफिनेटली उसमें एल्ट्रोस वन ऑफ द बेस्ट है। और अगर आप एक अच्छी गाड़ी, अच्छी नो इंटीरियर जिसका बढ़िया ऐसी गाड़ी आप ढूंढ रहे हैं तो टाटा एल्ट्रोस आपके लिए बेहतर ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है। प्रीमियम के साथ साथ इसका जो इंटीरियर है वो तो प्रीमियम है ही है, प्लस इसका जो डिज़ाइन है ओवरऑल, आप इसका एक्सटीरियर भी कार देखें तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है, और लोग इसको मुड़ के देखते हैं जब इधर लाइट्स पे खड़ी रहती है, बगल से निकलती है, तो बहुत अच्छी गुड लुकिंग कार है। तो आपको इसके लुक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसकी नेक्स्ट खूबी की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें हर्बन का म्यूजिक सिस्टम आता है, जो कि डेफिनेटली आपको पता है कि मार्केट लीडर है। इतनी बेहतरीन साउंड क्वालिटी है, जब आप इस गाड़ी में अपना म्यूजिक ऑन करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव दैट। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर दिस कार। ड्राइवर कंफर्ट की बात करें तो इसका जो क्लच सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा लाइट है, इतना मतलब आपको पता भी नहीं चलता। आप सिटी ड्राइव में अगर आप चल रहे हैं, बार बार आपको क्लच यूज करना पड़ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही हल्का और लाइट क्लच इसका एल्ट्रोस का, तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। क्लच के अलावा अगर इसका गियर थ्रू की बात करें, इसका गियर थ्रू भी काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी शॉर्ट है, तो आपको गियर चेंज करने भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर इसके साथ ही मैं आगे बात करूँ ड्राइविंग से रिलेटेड ही, इसकी जो स्टीयरिंग है तो एल्ट्रोस की स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। इसमें कोई भी आप ऐसे मतलब गैप नहीं देखेंगे, आप जितना स्टीयरिंग टर्न करेंगे गाड़ी उतना ही टर्न होती है। इसके साथ साथ जब आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हैं तो इसकी स्टीयरिंग एक्सट्रीमली लाइट हो जाती है, और जैसे ही आप इस गाड़ी को हाईवे पर लेके जाते हैं तो उसकी स्टीयरिंग स्टिफ होती जाती है, उसमें वेट आता है, स्टीयरिंग अपने आप वेट गेन करती है, तो उससे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है जब गाड़ी को हाईवे पर लेके जाते हैं। तो इसका स्टीयरिंग डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा जब आप इस गाड़ी को हाईवे पर चलाएंगे, और जब सिटी में चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाइट है तो आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्ट देगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर दिस एल्ट्रोस। स्पेस की बात करें तो आप इसके चारों डोर्स पे बहुत अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, वहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर ये सब मिलता है। साथ में आपको इसका जो ग्लोव बॉक्स है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिलता है, अभी 15 लीटर की साइज से ग्लोव बॉक्स मिलता है, जो काफ़ी बड़ा है, अपना ढेर सारा सामान उसके अंदर रख सकते हैं। तो डेफिनेटली स्पेस के मामले में इस गाड़ी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्पेस के अलावा इसका जब ग्लोव बॉक्स आप ओपन करते हैं उसकी सॉफ्ट ओपनिंग मिलती है, ग्लोव बॉक्स मतलब बहुत आसानी से धीरे 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 ओपन होता है, झटके से नीचे नहीं गिरता है, थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है, वो भी एक बढ़िया चीज़ है जो एल्ट्रोस में टाटा ने प्रोवाइड की है। साथ ही अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट की बात करें उसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक नो वाइपर्स मिल जाते हैं, और लॉट्स ऑफ अदर फीचर्स मिलते हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाते हैं। तो डेफिनेटली आप मतलब 9.5 लाख के बजट में बहुत ही बढ़िया फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं अगर आप टॉप मॉडल पर जाते हो।
दूसरा सबसे बड़ा मुझे जो इसमें अच्छी लगती है, अगर आप टॉप मॉडल पे नहीं बजाते इवन इसके, आप अगर बेस वेरिएंट को लेते हो तो नॉर्मली क्या होता है, बेस वेरिएंट लेने के बाद आपको मार्केट से बहुत सारी आफ्टर मार्केट चीज़ें लगवानी पड़ती हैं, वो काम ठीक से होता नहीं, उनकी फिटिंग ठीक से नहीं होती है, तो धीरे धीरे उसमें रैटलिंग साउंड आना शुरू हो जाता है या फिर वायरिंग नो ठीक से काम नहीं करती हैं। तो टाटा ने क्या किया है कि टाटा ने उसमें अलग अलग आपको कैटेगरीज प्रोवाइड कर दी हैं अलग अलग वेरिएंट्स में। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सी की बात करें तो आपको एक्सी रिदम पैक आता है जिसमें आपको दो आगे वाले पावर विंडो मिल जाते हैं, उसके बाद आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो सब बेहतरीन बेसिक फीचर्स हैं जो आपको गाड़ी में चाहिए होता है, और 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे करके आपको बेस वेरियंट से अपग्रेड होकर गाड़ी आपको मिल जाती है एक्सी रिदम। तो इस तरीके से बहुत सारे कस्टमाइजेशन अल्ट्रोज में ऑफर किए गए हैं जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया बात है आपके लिए। दूसरा प्लस पॉइंट है गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टेबल है हाईवे पे। आप इस गाड़ी को जब हाईवे पे चलाएंगे फ्रेंड्स तो आपको पता भी नहीं लगेगा आपकी गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसमें कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल का फीचर प्रोवाइड किया गया है, जब भी आप हिली रोड्स पे जाएंगे और टर्न्स लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गाड़ी स्टेबल फील होगी, और डेफिनेटली ये आपके पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा कर देती है। पार्किंग से रिलेटेड अगर इसकी बात करें तो आपको इसमें बैक कैमरा मिल जाता है, बैक कैमरे के साथ साथ आपको इसमें यू नो पार्क असिस्ट फीचर भी मिलता है और अडॉप्टिव गाइडलाइंस भी मिलती हैं। जब आप गाड़ी के स्टीयरिंग को टर्न करते हो तो आपका गाड़ी कितने स्पेस में टर्न करेगी वो सब आपको वहाँ पर दिखाता रहता है, चेंज होता रहता है, दैट इज़ यू नो अडॉप्टिव गाइडलाइन फीचर। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं जो कि बेहतरीन फीचर है। दूसरा फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब ये गाड़ी आप लंबे समय तक चलाते हो तो इस गाड़ी में आपको कोई रैटलिंग साउंड वगैरह नहीं फील होता, क्योंकि गाड़ी की बिल्ड बहुत अच्छी है तो आपको कहीं से भी इसे खटर पटर की आवाज़ नहीं आएगी, तो एक बढ़िया चीज़ है। फ्रेंड्स ये सब कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो आपको एल्ट्रोज में मिल जाते हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट हो सकते हैं, शायद मुझसे कुछ मिस हो गया हो, बट जो मुझे मोटा मोटा मतलब समझ में आया मैंने आपको बता दिया। तो इससे बहुत सारे प्लस पॉइंट मैंने आपको बताए, सारे प्लस पॉइंट्स में अवेलेबल हैं, कुछ छोटे मोटे माइनस पॉइंट्स भी हैं, अगर आप लेने चाह रहे हैं गाड़ी तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ वन बाई वन। जो लोग सिटी में ड्राइव करते हैं वो लोग ऑटोमेटिक भी प्रेफर करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी एल्ट्रोज में ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं आता है, इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है। तो अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगेगा, तो आई थिंक टाटा वालों को ऑटोमेटिक भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो दैट इज़ आई थिंक वन माइनस पॉइंट एज ऑफ नो फॉर एल्ट्रोज। गाड़ी का सस्पेंशन जो है वो थोड़ा स्टिफर साइड पे है, तो जब आप गड्ढे वाली यू नो बैड रोड्स पे गाड़ी चलाएंगे तो आपको झटके थोड़ा अंदर जरूर फील होते हैं। सेम चीज़ टियागो में मुझे फील होती है, हाईवे पे तो बहुत स्टेबल है लेकिन चूँकि सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है जब आप बैड रोड्स पे चलाएंगे तो इस गाड़ी में भी आपको थोड़ा बहुत हल्के अंदर झटके फील होते हैं, दैट इज़ अगेन अ नेगेटिव पॉइंट आई बिलीव। दूसरा, सब लोग बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि इनिशियल पिकअप इसका लो है। हाँ थोड़ा सा कंपेटेबली लो है, मतलब 3 सिलेंडर इंजन है, और अगर आप इनिशियल पिकअप की बात करें तो अगर आप हुंडई या मारुति गाड़ी से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा आपको लो लगेगा, लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी 2000-3000 आरपीएम को क्रॉस करती है उसके बाद फिर इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही ज़्यादा यू नो बढ़िया हो जाता है, फिर कोई आपको प्रॉब्लम फील नहीं होती है। लेकिन ये भी जो इनिशियल पिकअप की प्रॉब्लम है वो सिर्फ नॉन टर्बो में है, जो पेट्रोल का नॉन टर्बो ऑप्शन है उसी में है। अगर आप आई टर्बो पे जाते हैं तो बहुत बढ़िया आपको पिकअप मिलता है, इसके साथ साथ अगर आप डीजल पे जाते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा टॉर्क मिलता है, तो उन दोनों वेरिएंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिर्फ जो नॉन टर्बो पेट्रोल वेरिएंट है उसी में आपको थोड़ा सा इनिशियल पिकअप कम लगेगा, भी बहुत हल्का सा, अगर आप बहुत एग्रेसिवली यू नो गाड़ी चलाते हैं तभी आपको पता चलेगा, अगर आप नॉर्मली गाड़ी चलाते हैं ज़्यादा हार्श एक्सीलरेशन नहीं देते हैं तो आपको शायद पता भी ना चले। लास्ट में छोटा सा पॉइंट मैं इसमें बोलूँगा कि इसका जो एल्ट्रोज का ए पिलर है जो आपके ड्राइवर साइड के बिल्कुल सामने होता है राइट एंड लेफ्ट साइड पे, तो जो इसका ए पिलर है गाड़ी का वो थोड़ा सा मोटा है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है। जब गाड़ी से टर्न्स लेते हो, शार्प टर्न्स लेते हो, तो विजिबिलिटी में थोड़ा सा इशू आपको आ सकता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो आपकी सेफ्टी के लिए किया गया है, तो आई थिंक दैट इज़ ओके, इतना कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। हल्का फुल्का आपको प्रॉब्लम होगा बट दैट इज़ यू नो मैनेजेबल, आप कर सकते हो मैनेज। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये कुछ छोटी मोटी इसमें चीज़ें हैं जो कि मैं एज अ नेगेटिव बोल सकता हूँ, और बाकी पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपको 15-16 पॉइंट पॉजिटिव बताया, 3-4 पॉइंट आपको मैं नेगेटिव बताए, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होता ही है, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम।
तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी टाटा एल्ट्रोज के बारे में, और आपको पता चल गया होगा टाटा एल्ट्रोज गाड़ी कैसी है और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरा ओपिनियन अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आती है, जिस नो फीचर्स के साथ, सेफ्टी के साथ टाटा वाले इस गाड़ी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस एंड यू शुड गो फॉर दिस कार, दैट इज़ माई वर्डिक्ट। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।